आखिरी गेम है खवातीन हजरात, आखिरी गेम, आइकॉनिक गेम, इसका नाम है या। या में सिचुएशन ये है कि एक रिश्ता आंटी आई हुई है, वो आपके पास पोटेंशियल रिश्ते लेकर आई हैं, और अज्यूम हम ये कर रहे हैं कि जब आप के सब सिंगल हैं जिनके रिश्ते हैं, आपने डिसाइड करना है कि किसको हाँ करनी है और किसको ना करनी है। जो ऑडियंस का मशवरा भी आप ले सकती हैं इसके अंदर, जो आखिर में बच जाएगा उससे आपका रिश्ता पक्का कर देंगे। दिखाइए भाई पहले दो आंटी ने क्या रिश्ते भेजे हैं। अरे रुको, पहले उनको खुद तो सोचने दो। हाँ भाई, मियाँ आसिफ जरदारी, नहीं मियाँ आसिफ जरदारी, आसिफ जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ दोनों ही अमीर हैं, दोनों ही अच्छे घर के लड़के हैं, दोनों ही का बहुत नाम है। मियाँ साहब को रोके, जरदारी साहब को जाने दे, ज्यादातर खवातीन में जरदारी साहब को। ओए होए, शहजाद शेख और मियाँ साहब। शहजाद शेख को जाने दे, रख दिया। ये शान मसूद को जानती हैं? नहीं। शान मसूद बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। ओके। और शहजाद शेख? शहजाद शेख। शहजाद शेख को रोके, शान आपको जाने का कहेंगे। ओए हाय हाय हाय। अहमद अली अकबर और शहजाद शेख। परिजाद। अहमद अली अकबर को रोकेंगे, शहजाद भाई को जाने देंगे। शहजाद भाई आपका मेरा साथ। हाँ अबे ये क्या, अरे अरे रिश्ता आंटी ने लगता है मेरे वाले ऑप्शंस आपको दे दिए। दुर्रे फिशा या फिर अहमद अली अकबर? किस चीज के लिए? शादी की बात हो रही थी मगर ऑब्वियसली अहमद अली अकबर। बेटा दुर्रे फिशा को थोड़ी देर रखो। अरे खत्म, गेम खत्म। केक के आगे कुछ नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ शेख साहब। हवेली इनके पास, हवेली, लाल हवेली, लाल हवेली। पहले वो लाल नहीं थी, इन्होंने इतना वहां पर शोर मचाया वो लाल हो गई। आप इनके हवाले से कन्विंस क्यों कर रहे हैं? शेख साहब का नाम आते ही अंगूठियां खुद ब खुद गिरने लगी। मेरे ख्याल से आवाम के दिल की बात आपको रखनी चाहिए। अंगूठी ने गिरकर इशारा भी दे दिया। शेख साहब रुकेंगे। लेफ्ट। Who is left? हुमायूं सईद। भाई हुमायूं सईद भाई रुकेंगे। शेख क्या नाम था, शेख रशीद चले जाएंगे। मैं शेख शरीर कहने वाला हूँ। सबके चेहरों पे उसामा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, दो तीन बार बाल भी यूं ठीक किए। उसामा बता दूं, अच्छा। मैं आपको हुमायूं भाई आप काफी बड़े हो गए। जो आपने पहले शेख साहब ही कन्विंस इतना किया था उस तब आपने नहीं बोला काफी। अरे उसामा के अंदर पोटेंशियल है, वो शेख साहब भी बन के दिखाएगा आपको। अच्छा। और अच्छा कंप्यूटर भी पढ़ा सकता है ये लड़का। हाँ ये अच्छा, इसके अंदर है पोटेंशियल, अच्छा टीचर के लिए। हुमायूं भाई और कुछ कर लेंगे ज़ैनब, उनके पास ऑप्शन है। पार्टी बदलते हैं। कितने ऑप्शन है आप ये भी तो देखो, कितने ऑप्शन है। वासे चौधरी, अहमद अली। अच्छा ठीक है उसामा। ये कौन है? ये एक सेकेंड, ओए ये शहबाज गिल हैं, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन हैं। पीटीआई के स्पोक्स पर्सन? हाँ हाँ, मुझे हमारी टीम को पता नहीं क्यों लगा कि उसामा को अगर कोई मुकाबला दे सकता है तो शहबाज गिल। थोड़े से हिल से गए गिल साहब जब से जेल से आए, लेकिन गिल नाम। सामा आजाद, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ तो है। ये जानबूझ के आप ऑप्शन सामने लाए। नहीं नहीं, ये बातें, ये सब बातें, हमने हुमायूं सईद दिया, हमने मियां साहब दिया, हमने जरदारी दिए, अहमद अली अकबर दिए, दुर्रे फिशा भी दे दी। हजरात हंसना मना है, हक और सच की आवाज बनकर उभरेगा। जो झूठ इंडस्ट्री में चल रहा है, जो झूठ चल रहा है इंडस्ट्री में कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, ये कहां चल गया, ये क्या है उसामा? आज मेरे साथ मौजूद थी जैनब शब्बीर। जैनब आपके साथ हमने बहुत शरारतें की, आपने बहुत मजे मजे के जवाब दिए, बहुत मुनासिब शो निकला। उम्मीद करता हूं कि अगला गेस्ट अच्छा हो।
और बहुत चीज़ें, बहुत मज़ा आया आपके साथ, तालियाँ होनी चाहिए ज़ैनब के लिए, जाने से पहले आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी ये बोलूं रिटर्न में? हाँ ज़ैनब, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी मेरी तारीफ करें और शो खत्म करें। इट वॉज लवली। टोटल तारीफ, इससे ज़्यादा तारीफ तो आप ऑफ एयर कर लेती हैं। इट वॉज लवली बींग हियर, थैंक यू ज़ैनब। जाने से पहले आज की कमाल बात, भाई मारूफ अमरीकी स्कॉलर थॉमस सोवेल कहते हैं कि बदतरीन हिकमत अमली ये है कि इंसान अपना इलाज माहिर डॉक्टर के बजाय खुद कर ले। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि अगर आपको वायरल फ्लू है, कुछ छोटी बॉडी बीमारी है, तो अक्सर घर में अब्बा या बड़ा भाई या अम्मी डॉक्टर ही दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ, बस हल्दी पी लो सही हो जाओगे या ये एंटीबायोटिक खा लो, पेन किलर खा लो। ये सेल्फ मेडिकेशन बहुत खतरनाक है। आपको नहीं पता आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, किसी को बीपी हो सकता है, उसको पता ना हो शायद, वो कोई दवाई खाए उसको कोई रिवर्स इफेक्ट हो जाए, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इट इज़ वेरी डेंजरस। किसी बाहर मुल्क में किसी को बताएं कि यार मैं तो खुद दवा खा लेता हूँ अपनी बीमारी पे, वो खुद मर जाएगा। प्यारा बचपन हो रहे हैं खवातीन और हज़रात, आप में से बहुत लोगों की दवाई का टाइम हो चुका है, दवाई खाइए और सो जाए।